हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा सेक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड फिजिक्स में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और उनके बीच के दूरी के, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r² दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात अपॉन में आ जाता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। आइए, पहली शर्त के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरी शर्त के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू 1/r² जब दोनों समीकरण को हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². फाइनली F बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कैपिटल K एक नियतांक लग जाता है, के Q1 Q2/r², जहां के बराबर 1/4π ε₀ इसका मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम का स्क्वायर। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 1/4π ε₀ का मान बताइए या फिर के का मात्रक बताइए। तो ये रहा के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम का स्क्वायर। फाइनली हमारा कूलाम का सूत्र है F बराबर 1/4π ε₀ Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।